हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट करूंगी जो यूके में आके पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, अपने लिए एक लिविंग और एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि मुझे मेरा पहला पार्ट टाइम जॉब कैसे मिला एंड डिफ़िकल्ट था या इजी था प्रोसेस और कैसे किया मैंने, मैं वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आई होप कुछ ना कुछ हेल्प तो आपको ज़रूर इस वीडियो से मिलेगी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, रिसेंटली यहाँ आई हूँ एंड उतना नॉलेज मुझे नहीं है, बट हाँ जितना भी मैंने देखा है और सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, मैं उतनी ही नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगी, ना कुछ एक्स्ट्रा और ना कुछ कम। सो लेट्स गेट फर्दर। वेदर तो यूके का इतना ज़्यादा अजीब है। 12 बजे मैं निकली थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तब इतनी ज़्यादा धूप थी, अच्छा था वेदर, एंड शाम को 6 बजे जब मैं वापस आ रही थी तो इतनी ज़्यादा ठंड एंड बारिश थी। इट्स लाइक यूकेज वेदर इज़ अनप्रडिक्टेबल, बहुत ही ज़्यादा अजीब वेदर है यहाँ का। ये टॉपिक पे हम बाद में वीडियोस कवर करेंगे। आप लोगों ने भी आने के पहले तो रिसर्च काफ़ी की होंगी कि यूके में क्या सीन है जॉब्स का, एंड जॉब्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, डिफ़िकल्टी है क्या ढूंढने में, और एम्प्लॉयर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो मैं ये कहूँगी कि मैं तो पागल थी, पागल हूँ। मैं यूके आने के 3 से 4 महीने पहले से ही पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करती थी, जो कि यूज़लेस था, एज यू नो बिना वीज़ा के कोई मतलब नहीं है जॉब्स अप्लाई करने का। तो आई सजेस्ट यू एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए जॉब्स ढूंढ के उसे अप्लाई करने के लिए, एंड इफ़ पॉसिबल हो तो कुछ स्किल्स आप सीख के आइए घर से। जैसे फॉर बॉयज़ बार्बर काफ़ी डिमांड है यहाँ पे बार्बर्स की, एंड इफ़ यू आर अ गुड कुक देन शेफ्स की काफ़ी सारी जॉब्स हैं यहाँ पे, और अच्छा खासा पेमेंट मिल जाता है शेफ़ के जॉब में। एंड फॉर गर्ल्स आई सजेस्ट कि अगर कोई स्किल आपको सीखनी है तो आप मेकअप सीख सकते हैं, और नेल एक्सटेंशंस काफ़ी क्रेज़ है यूके में इस चीज़ का। मुझे 2-3 तो नेल स्टूडियोज ऐसे ही दिख गए थे रास्ते में। एंड फैशन का आपको अगर शौक है एंड इफ़ यू हैव अ ग्रेट फैशन सेंस, देन आप क्लोथिंग स्टोर्स में भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, हर फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मेरा तो ऐसा था कि मेरी पहली प्रायोरिटी थी लाइक आई वॉन्ट एन ऑफिस जॉब, एडमिनिस्ट्रेटर और रिसेप्शनिस्ट और क्लर्क और समथिंग लाइक दैट, मुझे ऐसा जॉब चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा हम चाहते हैं वैसा ज़रूरी नहीं है हमें मिले। बट हाँ, मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है यूके में, इट्स जस्ट दैट इट डिपेंड्स ऑन यू आप कितना अपने कम्फर्ट जोन से बाहर जाके अप्लाई करते हैं, मेहनत करते हैं, एंड आर यू विलिंग टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क टू अर्न अ लिविंग। अब लोग ये भी सोचते हैं स्टूडेंट्स की, यार मैं वेटर का काम कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो ये कभी नहीं की या किया। बट ऐसा नहीं है ना, यूके में सारे वर्कर्स को, चाहे तुम कोई भी काम करो, इफ़ यू आर अ क्लीनर, अ वेटर और यू आर सिटिंग इन एन ऑफिस, आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब में सेम पे मिलता है। द करंट रेट इन द यूके फॉर मिनिमम वेजेस 11.44, इतना पाउंड, 11.44 पाउंड आपको एक घंटे का मिलना तो कन्फर्म है, चाहे आप कोई भी जॉब करें। इससे कम अगर आपको कोई भी एम्प्लॉयर देता है देन आई थिंक आपको वो जॉब छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज ये इट्स नॉट फेयर विथ यू। सो ऐसा है यहाँ पे सीन जॉब्स का। अब आते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे कैसे मिली मेरी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब। तो मैं जैसे कि आपको बताया, 1 महीने पहले से ही मैंने सीरियसली चालू कर दिया था अप्लाई करना। 3-4 महीने पहले तो मैं ऐसे ही मजाक में करती थी कि लाइक देखते हैं एक्सेप्ट होता भी है कि नहीं मेरा एप्लीकेशन। तो 1 महीने पहले जो मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी वो जेन्युइन थी, एंड बिफोर कमिंग टू द यूके मेरे पास एक कॉल आ गई थी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो मैं 7th को यूके में आई सितंबर, एंड 9th को मेरा इंटरव्यू था। तो मैं यूके आने के बाद
थोड़ी नर्वस भी थी कि लाइक फर्स्ट डे इन द यूके यूनिवर्सिटी भी जाना था सुबह, देन उसके बाद में मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना था। एंड लकीली द लोकेशन ऑफ द इंटरव्यू वॉज वेरी क्लोज टू माई अकोमोडेशन। सो और हाँ, आप एक पॉइंट मैं ऐड करूँगी बीच में, सॉरी, कि आप लोकेशन ऐसी देख के ही एप्लीकेशंस करना जो आपको इजी टू कम्यूट हो। लाइक ऐसा मत करना 2-3 माइल या 4-5 माइल दूर में आप एप्लीकेशन कर रहे हैं और आपका आधे से ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग में ही जा रहा है। एंड टाइम के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे ना, ऑब्वियसली आपको ट्रैवल करना पड़ेगा डेली वहाँ पे। तो बेटर है कि आप अपने अकोमोडेशन के क्लोज थोड़ा लोकेशन देखिए आपके पार्ट टाइम जॉब का। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने सारा जितने भी एप्लीकेशंस किए थे वो यहीं पे थे सारे। कोई भी ऐसा बहुत दूर में मुझे जाना ऐसा मैंने किया नहीं था, क्योंकि मुझे अपना ट्रैवलिंग में एक्सपेंसेस बचाने थे, मुझे ट्रैवलिंग पे खर्चा नहीं करना था। तो मैंने सारा एप्लीकेशंस ऐसे ही, लोकेशंस वहाँ पे मेंशन होती है जॉब डिस्क्रिप्शंस में, तो वो लोकेशन देख के मैंने एप्लीकेशन किए थे। तो जो 9 को मेरा, 9 सितंबर को तो जो मेरा इंटरव्यू था उसके लिए मैं गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन तो किया था उन्होंने कि उन्हें पार्ट टाइम रोल चाहिए या पार्ट टाइम रोल के लिए जॉब है, बट देवर लाइक वी वॉन्ट अ पर्सन हु कैन वर्क फॉर मोर देन 20 आवर्स एंड बींग अ स्टूडेंट ही आपको अलाउ नहीं है 20 घंटे से ज़्यादा काम करना। तो स्ट्रिक्टली प्लीज़ प्लीज़ स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करना आप लोग जो भी आएंगे, 20 घंटे से ज़्यादा काम मत करना, अदरवाइज यू विल बी गेट डिपोर्टेड आउट ऑफ द यूके बैक टू योर होम कंट्री। सो प्लीज़ आप लोग 20 आवर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना एंड एम्प्लॉयर्स को ये चीज़ अच्छे से पहले से ही बता देना कि लाइक आई एम स्टूडेंट एंड आई एम नॉट अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 20 आवर्स। एडिशनली फिर मैं वो इंटरव्यू के बाद थोड़ी उदास हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है, होते हैं। नया नया इंटरव्यू था एंड मतलब इंटरव्यू स्टार्ट होने के पहले ही मेरा खत्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा कि कैन यू वर्क फॉर मोर देन 20 आवर्स। सो मैंने उन्होंने बोला नो आई एम अ स्टूडेंट। सो दे सेड देन वी आर वेरी रियली सॉरी, वी कांट टेक दिस प्रोसेस फर्दर एंड ऑल। सो फिर वहीं पे आई केम बैक एंड उसके बाद से, यूके में आने के बाद भी, इट्स नेवर टू लेट, यूके में आने के बाद मैंने एप्लीकेशंस करना जो स्टार्ट किया है, लिटरली दिन के कम 6 से 7 घंटे मैं सिर्फ एप्लीकेशंस करने में ही निकालती थी। ऑलमोस्ट 150 से 180 एप्लीकेशंस किए हैं मैंने, सारे साइट्स का इंक्लूड करके मैं आपको नंबर बता रही हूँ। और उसके बाद में एक इंटरव्यू के लिए मुझे ईमेल आया आफ्टर 15 डेज यूके में रहने के बाद में एक इंटरव्यू के लिए ईमेल आया। तो मैं वो इंटरव्यू दे के आई, बहुत पास में मेरा अकोमोडेशन के वो, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो मैं वहाँ गई थी, अपना इंटरव्यू दे के आई मैंने, एंड आफ्टर आई थिंक 24 आवर्स मुझे पॉजिटिव रिप्लाई आया उस एम्प्लॉयर से एंड आई गॉट द जॉब। और यस, फ्रॉम टुमारो आई विल बी गोइंग देयर और मेरा शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगा कल से। और वो एम्प्लॉयर इज़ आई मस्ट से बहुत अच्छा है वो, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे उनके टाइम के कि आप लोगों को इतने से इतने बजे तक के हमारा काम करना है। बहुत फ्लेक्सिबल जॉब है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज आपको ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट्स के अपने शेड्यूल्स होते हैं, दे हैव टू फॉलो सर्टन गाइडलाइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और उनके स्टडीज भी होती है, असाइनमेंट्स होते हैं। इट्स नॉट ईजी टू बैलेंस एवरी थिंग, और एडिशनली अगर वो टाइम रिस्ट्रिक्शंस रख देंगे जॉब पे तो उनको तो कोई मिलेगा ही नहीं ना काम करने के लिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स आपको देते हैं करने के लिए। कुछ जॉब्स ऐसी होगी जहाँ पे स्ट्रिक्टली टाइम का इशू होगा, बट इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स केटरिंग और फूड चेन होटल्स जॉब्स लाइक दिस, तो यहाँ पे टाइम का इतना कुछ इशू नहीं है। तो मुझे मेरा फर्स्ट जॉब मिल गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, बिकॉज इतने जल्दी यूके में जॉब ढूंढ लेना, आई थिंक आई एम लकी इन दिस। अभी भी 2 से 3 इंटरव्यूज के ईमेल मुझे आए हैं। एक इंटरव्यू मैंने अभी 2 दिन पहले दे के आई हूँ, वो यूनिवर्सिटी की जॉब्स के लिए है,
यूनिवर्सिटी की जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल होते हैं वैकेंसीज। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू ऐड कि प्लीज़ कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहना। सीवीज बना सकते हो आप अकॉर्डिंग टू जॉब, आपको उसको टेलर करना होगा। लाइक इफ यू अप्लाइंग फॉर अ होटल यू हैव टू ऐड सम कीवर्ड्स दैट आर मेंशन इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। सो सीवी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार केटरिंग के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट का सीवी आपने वहाँ चिपका दिया और सोचोगे कि आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना सीवी बनाना चाहिए, तभी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी दो इंटरव्यूज मेरे और है, बट आई एम कन्फ्यूज शुड आई गो फॉर दैट और नॉट, बिकॉज टाइम का इशू हो रहा है, लाइक माई लेक्चर्स और इंटरव्यू का टाइम क्लैश हो रहा है, तो आई हैव टू अरेंज इट अकॉर्डिंगली। एंड या दैट्स इट। अगर आपको ऐसा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, मैं आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहूँगी। और आपको कोई स्पेशल ऐसा टॉपिक होगा आपका जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताइए। तब तक के लिए बाय।